आइए भक्तों, आज सुनते हैं वट सावित्री। वर्ष 2024 पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट सावित्री व्रत पर करे खास उपाय एवं शुभ मुहूर्त। पति की लंबी उम्र, तरक्की व सफलता के लिए हर सुहागी महिला पूजा पाठ करती है। ईश्वर से सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए महिलाएं कई उपवास भी रखती है। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का पालन करती है। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती है। व्रत रखने के साथ साथ सुहागिनीय व्रत वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की भी नियम अनुसार पूजा करती है। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता का वास होता है। इसीलिए व्रत रखने वाले महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुख्य रूप से इस पर्व को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस दौरान कुछ उपायों को करने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आइए इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। कब है वट सावित्री व्रत 2024? पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 5 जून शाम 7:54 से शुरू हो रही है। इसका समापन 6 जून की शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। वट सावित्री के दिन करें ये उपाय। वट सावित्री वाले दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करना शुभ होता है। माना जाता है कि इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चली आ रही है तो इस दिन बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस दीपक से काजल बना ले। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दे। हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। ऐसे में आप वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र ओम सः शनिचराय नमः का जाप करना चाहिए। इससे शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यदि आपके परिवार में हमेशा झगड़ा बना रहता है तो प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। इससे पारिवारिक झगड़े खत्म होते हैं। वट सावित्री वाले दिन आप धन की देवी माता लक्ष्मी को 11 कौड़िया अर्पित करें। साथ ही इन पर हल्दी से तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर या तिजोरी में रख दे। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होता है। इस दिन महिलाएं पति के साथ व्रत रखे दोनों साथ में चंद्र देव को दूध से अर्घ दे। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से त्रिदेव स्वामी की जय। लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, माँ पार्वती की जय।